एंड रात में जो है, रात का जहाँ जहाँ पर लाइटें हैं वहाँ का व्यू जो है कुछ इस प्रकार का है, देख सकते हैं क्या मस्त व्यू दिख रहा है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वाला व्यू आपको कैसा लगा। हमको ये सबसे प्यारा व्यू लगा है। अभी मैं एटा क्रॉस कर चुका हूँ, आप देखिएगा व्यू एकदम से बहुत ही मस्त और जबरदस्त आ रहा है। हाय गाइस, नमस्कार, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं टूर पे शिवरामों से दिल्ली, और इसमें आपको बताऊंगा कि कानपुर से जब दिल्ली जाते हैं तो कितने टोल पड़ते हैं, कितने रुपए का एक्चुअल कंफर्म टोल लगता है, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है, और कहां कहां पर रोड खराब भी मिलता है ये भी आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। एकदम से फुल मज़ेदार वीडियो होने वाला है। अभी हम अपने फैमिली के साथ जा रहे हैं, अभ्यांश, अनवी, अंजना जी सभी लोग हैं गाड़ी के अंदर, और बच चुका है शाम का 6। अभी मैं निकला हूँ, आपको ये भी दिखाऊंगा कि शाम को 6 बजे निकला हूँ मैं दिल्ली और नोएडा में, कितने टाइम एंट्री करता हूँ। अब नया हाईवे जब से बना है तब से मैं पहली बार अपनी फोर व्हीलर कार से फर्स्ट टाइम दिल्ली का सफर कर रहा हूँ। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, इसमें एकदम से कंफर्म आपको जानकारी मिलेगी। क्यों 6 बज गया, मैं ये भी आपको बताऊंगा कि किस टाइम वीडियो को एंड करूंगा, वहां पर पहुंचूंगा, तो पूरी आपको ये जानकारी दूंगा। चलेगा वीडियो में लगे, साथ में बने रहिए हमारे साथ, लगे मत रहिए भाई, देखिएगा पूरा वीडियो। और अभ्यांश कुछ कह रहे थे, बोलो बोलो। भाई देखिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा, क्योंकि अभी तक तो मैं रिक्वेस्ट करता था, आज अभ्यांश हैं जो है वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो भले ही आपने मेरी रिक्वेस्ट को इग्नोर किया हो, लेकिन बच्चे की रिक्वेस्ट को इग्नोर मत करिएगा। तो चलिएगा वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम नबीगंज का जो टोल प्लाजा है छिबरामऊ बात करता, वहाँ पर पहुँचने वाला हूँ। और फ्रेंड्स, आप जो कानपुर से दिल्ली अगर जो सफ़र करेंगे तो आपको छिबरामऊ से पहले दो टोल और पड़ेंगे। पहला टोल पड़ेगा शिवराजपुर में, कानपुर से आप जब दिल्ली जाएंगे तब की बात कर रहा हूँ। तो वो टोल अभी जो है फिलहाल में बंद है, क्योंकि मैं कल गया था वहाँ पर, 30 तारीख थी कल, और कल मैं 30 तारीख को कानपुर से छिबरामऊ को आया था, तो वहाँ पर जो था टोल बंद है, अभी वहाँ पर टोल नहीं लगता, तो इसलिए कन्फर्म नहीं हो पा रहा कि वहाँ का टोल का कितना पैसा लगेगा। हाँ, कन्नौज के जो है 110 रुपये का टोल लगता है, तो कन्नौज में टोल बना है, कन्नौज पर निकलने के बाद वो टोल 110 रुपये का है, 115 रुपये का है। अभी मैं कुछ देर में नबीगंज टोल पे पहुंच रहा हूं, तो अभी आपको दिखाता हूं कि नबीगंज टोल में कितना पैसा लगता है। और यहां तक जो है फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं नबीगंज का जो टोल प्लाजा है वहाँ पर आ चुके हैं, और यहाँ पर जो है 95 रुपीज कटेगा। अभी देखिए, मैं टोल को क्रॉस कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ये मैं टोल को क्रॉस करूंगा, टोल पे निकल रहा हूँ, यहाँ से भी मेरे फास्टैग से पैसा कट जाएगा। मैं टोल को क्रॉस कर चुका हूँ और 95 रुपीज मेरा कट चुका है। ये मेरे घर से जो होम टाउन है मेरा छिबरामऊ, वहाँ से मैं दिल्ली जाता हूँ तो मेरा ये पहला टोल पड़ता है, और आप कानपुर से आएंगे तो ये तीसरा टोल होगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अभी हम बेवर का बाईपास से निकल चुका हूँ, बेवर तक का सफर एकदम से मस्त और अच्छा रहा, रोड बढ़िया मेरा। अभी हम भोगांव शहर है जो तहसील, वहाँ से क्रॉस कर रहा हूँ भोगांव से। अब भोगांव के बाईपास पर ब्रिज के ऊपर एक जगह काम चल रहा है, ठीक है, बाकी लगभग कंप्लीट है भोगांव निकल। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग करौली की ओर बढ़ रहे हैं। अभी हम करौली पहुंचने वाले ही हैं, सूर्यास्त होने वाले हैं, शाम
नाम बढ़ रही है। जैसे जैसे मैं दिल्ली की ओर बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे सूर्य देवता भी अपने घर के लिए जा रहे हैं। अभी हम कुरौली क्रॉस कर चुके हैं। फ्रेंड्स अभी दिल्ली बचा हुआ है 240 किलोमीटर, आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा है, अभी 240 किलोमीटर का और सफर है। बिल्कुल ही सूर्य अस्त हो चुके हैं, कुछ देर बाद लाइट का सहारा लेना पड़ेगा, गाड़ी की लाइट जलानी पड़ेगी। और देखिएगा आज रात का भी पता चलेगा, रात का जो व्यू है न्यू जीटी रोड का, जो नया हमारा जीटी रोड है बन के तैयार हो चुका है, इस पर रात पे कितना मज़ा आता है ये भी आज पता चलेगा, क्योंकि पहली बार है जो रात में भी सफ़र करेंगे। तो इसीलिए जानबूझ के ऐसा टाइम रखा कि दिन और रात दोनों का आनंद मिले, और जो हमारे व्यूवर हैं सब्सक्राइबर हैं उनको भी दिन और रात दोनों का अनुभव पता चलेगा कि अगर दिल्ली का सफ़र करते हैं तो रात में भी कैसा आनंद आता है। अब हम कानपुर से आप आ रहे हैं तो ये चौथा टोल होगा, और हमारे छिबरामऊ शहर से ये दूसरा टोल है, मल्लावन में टोल पड़ेगा। मैं कुछ ही देर में टोल पे पहुंचने वाले हैं, आपको दिखाते हैं टोल कितना लगेगा। तभी हम जो एटा से पहले टोल पड़ता है यहाँ पर 75 रुपये का टोल कटेगा। अभी हम कुछ ही देर में टोल क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ से एक तरफ अगर जो जाते हैं तो 75 रुपये का टोल लगता है। चलिएगा मैं टोल को क्रॉस करता हूँ। अभी हम फ्रेंड्स टोल जो है क्रॉस कर रहे हैं, ये एटा का टोल है, यहाँ पर 75 रुपीज लगता है। अभी मेरे फास्टैग से 75 रुपीज कटेंगे। बहुत स्लो है भैया, यहाँ पर हमको लगता है ये जब इंटर करते हैं तभी पैसा कटता है, ऑटो नहीं ले रहा है ये ओटा, ये एटा का जो टोल है यहाँ से ऑटो नहीं कट रहा, बार बार जो कर्मचारी है वो उठ के जा रहा है तब जाके पैसा कटता है। अब चलिए दोस्त चलते हैं, एटा क्रॉस करेंगे और एटा शहर में जैसे एंट्री होती फिर से आपसे मिलते हैं। अभी मैं जो है यहाँ तक जो है बिल्कुल ही सही रोड मिला है हमको, पूरा कंप्लीट है। गोगांव के बाईपास पे थोड़ा सा काम चल रहा था, हो सकता है कि टेम्परेरी काम हो, बीच में काम पूरा हो चुका, पूरा बीच में काम लगा हो, लेकिन एक तरफ बंद किया गया था कुछ जगह पर। तो अभी मैं टोल के आगे निकल चुका हूँ और शाम होने वाली है, चलिएगा लाइट को जला लेता हूँ। फ्रेंड रात में जो है, रात का जहाँ जहाँ पर लाइटें हैं वहाँ का व्यू जो है कुछ इस प्रकार का है, देख सकते हैं क्या मस्त व्यू दिख रहा है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वाला व्यू आपको कैसा लगा, हमको ये सबसे प्यारा व्यू लगा है। अभी मैं एटा क्रॉस कर चुका हूँ, आप देखिएगा व्यू एकदम से बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त आ रहा है। हम लोग रास्ते में रुके हुए तो बच्चे इन लोगों को कुछ खाना पीना था तो कोल्ड ड्रिंक और चिप्स वगैरह हैं ले लिए हैं बच्चों के लिए, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, गर्मी बहुत तेज़ी से। तो अभी एटा के आगे थोड़ा रुका था, एक शॉप से लिया तो गाड़ी में बैठ के पी रहा, इसके बाद चलता हूँ आगे। फ्रेंड्स अभी हम लोग चिप्स और कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी चुके हैं, खा चुके हैं, तो अब चलते हैं आगे। फ्रेंड्स अभी जो मौसम ख़राब होने वाला है, आसमान में जो है बिजली बहुत तेज़ी से चमक रही है, लग रहा है ऐसा कि बारिश होने वाली है कुछ ही देर में। जब बारिश होती है तो थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि रात का समय है और गाड़ी में साथ में हमारे बच्चे भी इस टाइम, तो देखते हैं फिलहाल मौसम कितना साथ देता है। आप पूरा वीडियो देखिएगा, अगर मौसम ख़राब होता है तो हम आपको वो भी दिखाएंगे। फिलहाल का जो है अभी तक का सफ़र बहुत अच्छा रहा, अभी यहाँ से लगभग 180 किलोमीटर की दूरी और बची हुई है, क्योंकि नाइट हो चुकी है तो उतनी। फ्रेंड्स ये अभी फाटक बंद है, करता हूँ वेट, आप देख सकते हैं रात के समय कितना लंबा लाइन लगा हुआ है। जो सिकंदरा राव में है अभी नए जीटी रोड का नया बाईपास है वो कंप्लीट नहीं है, बंद किया गया है, चालू नहीं है, तो अभी मुझे शहर के अंदर से जाना होगा। अब फाटक खुल रहा है, देख रहे हैं फाटक खुल गया, अब चलते बढ़ते।
फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सिकंदरा राव में रोड लाइट भी नहीं जल रही है, तो अभी काफ़ी अंधेरा सा लग रहा है और यहाँ पर आंधी जैसा तूफान जैसा माहौल बन चुका है, क्योंकि हवाएं बहुत तेज़ी तेज़ी से चल रही हैं। देख रहे होंगे थोड़ा सा आपको डस्ट भी देखने को मिल रहा होगा, तो हवाएं काफ़ी तेज़ी से चल रही हैं। फ्रेंड्स हम भी कहीं साइड से खड़े हो जाते हैं। अभी हम एटा के बाद के अंगला का जो टोल है वहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर 60 रुपये का टोल कटेगा, तो ये देखिएगा बारिश का मज़ा जो है, काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है। तो यहाँ पर मैं अभी फिर से टोल के लिए निकलता हूँ, मैं आ चुका हूँ, यहाँ पर टोल कटेगा और ये है टोल प्लाजा। ये जो है ईरतपुर गांव में टोल लगता है अलीगढ़ से पहले, तो मैं उसी टोल को क्रॉस कर रहा हूँ। यहाँ पर ये जो है 60 रुपये का टोल कटा है। अब चलते हैं गवाना में टोल लगेगा अलीगढ़ जब क्रॉस करेंगे, इसके बाद पहुँचते हैं, मिलते हैं आपको गवाना टोल प्लाजा पे। और फ्रेंड्स अभी जो है यहाँ पर बारिश रुक चुकी है, पीछे जो था काफ़ी तेज़ी से बारिश था, तो टोल के बाद ये बारिश रुक गई। चलिए आगे चलते हैं। बारिश फिर से होने लगी है, आप देख सकते हैं बारिश का जो व्यू है कितना अच्छा है, काफ़ी तेज़ी से बारिश हो रही है, सामने आप देख रहे हैं। और जो सबसे अच्छी बात है कि व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। मैं अलीगढ़ पहुंचने वाला हूं थोड़ी ही देर में, और बारिश ज़्यादा तेज़ होने की वजह से बीच में रुक गया था, तो सिकंदरा राव से बारिश बराबर हो रही है। चलिएगा मिलता हूँ अलीगढ़ में। अभी हम फ्रेंड्स आ चुके हैं सीएनजी पंप पर, गाड़ी में डलवाते हैं सीएनजी कम हो गया, तो यहाँ से सीधा निकलता हूँ दिल्ली। अब यहाँ पर डलाने के बाद मैं सीधा डायरेक्ट पहुँचूँगा दिल्ली, अब मुझे सीएनजी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं घर से निकला था तभी फुल कराया था, अब फिर से फुल करा लेता हूँ, इतने में मैं दिल्ली पहुँच जाऊँगा। चलिएगा आगे सीएनजी भराने के बाद मिलता हूँ। ये देख रहे हैं हमारे पीछे सीएनजी पंप है, और ये अलीगढ़ से बस जस्ट 3-4 किलोमीटर पहले पंप पड़ता है, वहीं पर हूँ हम। फ्रेंड्स अभी अलीगढ़ शहर जो है लगभग क्रॉस कर चुके हैं, बाईपास पे हैं अलीगढ़ का, पूरा क्रॉस करके आ चुके हैं। अलीगढ़ को बोलते हैं बाय बाय, बढ़ते हैं शहर अलीगढ़ से आगे गवाना की तरफ, जहाँ पर पड़ेगा टोल अंगला। फ्रेंड्स अभी हम पहुँच गए हैं गवाना टोल पे, और देखते हैं यहाँ पर कितना टोल कटता है, भाई कहीं लिखा हुआ तो नहीं मिला, इसके बाद शायद एक और टोल पड़ेगा। यहाँ पर अभी कितना टोल लगा है ये तो कंफर्म नहीं हुआ, कहीं लिखा नहीं था, देखते हैं अभी मैसेज गिरेगा तो आपको बताते हैं कि यहाँ पर कितना टोल कटा है। अभी हम गवाना का जो टोल है फ्लाईओवर से क्रॉस कर लिया हूँ। इस गवाना का जो टोल है वहाँ पर 185 रुपये का टोल कटा है, जब मैसेज आया तब पता चला। फ्रेंड्स ये अभी हम बाईपास पे ही चल रहा हूँ, बुलंद से क्रॉस करने वाला हूँ थोड़ी ही देर में। ये जो सिकंदराबाद का टोल है ये एक लास्ट टोल है, दिल्ली आप जाएंगे तो ये लास्ट टोल पड़ेगा। तो यहाँ पर टोल वे देख रहे हैं कि रात का 10:30 का समय है, काफ़ी ट्रैफिक है, देख रहे हैं आप ट्रक जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर हर लाइन में दिखाई पड़ रहे हैं। देखते हैं यहाँ पर ये टोल कितने का है, तो पीछे वाला टोल था वो 100 गवाना का 185 रुपये का था, और ये हमारे शहर छिबरामऊ से 5वां टोल है, और कानपुर से आप दिल्ली जा रहे हैं तो ये 7वां टोल है, यानी यहाँ पर ये कंफर्म हो जाता है कि 7 टोल पड़ेंगे कानपुर से दिल्ली जाते समय, या फिर दिल्ली से कानपुर जाएंगे। ये लास्ट टोल है, उसको क्रॉस कर रहे हैं, ये भी टोल क्रॉस हो गया है, ये दिल्ली के लिए
एक लास्ट टोल है जो अभी मैं, अब इससे आगे कोई टोल नहीं पड़ेगा। चलिए चलते हैं आगे। टोल का जो झंझट था वो यहीं पर था। सबसे ज़्यादा इस टोल पे जो समय लगता है, तो इस टाइम जो है ट्रैफिक ज़्यादा रहता है और जो बड़ी गाड़ियाँ हैं ट्रक वगैरह उसको सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्रॉस करते हैं। इस टाइम चुके हैं दादरी के बाईपास से, नहीं मैं दादरी के अंदर से चल रहा हूँ। अभी हम दादरी में हैं और ये जो दादरी पुलिस चौकी से नोएडा के लिए जो रोड जाता है उसी रोड पे चल रहे हैं। अभी नोएडा यहाँ से 24 किलोमीटर बचा हुआ है। वहीं पर अगर दिल्ली की बात करें तो ये दिल्ली आनंद विहार जो है अभी यहाँ से 34 किलोमीटर है। और फ्रेंड रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है। फ्रेंड्स ये है नोएडा शहर की रात की खूबसूरती। अभी जो है हम बिल्कुल आउटर में चल रहे हैं। आउटर में इतना सुंदर दिख रहा है तो अंदर शहर में कितना और सुंदर ये नोएडा शहर दिखेगा। फिलहाल आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारा ये सफ़र जो है छिबराऊँ से और दिल्ली का जो सफ़र है वो आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताएं। और रोड की बात करें तो मैक्सिमम रोड जो है अच्छा मिला है, कोई दिक्कत नहीं। बीच बीच में थोड़ा बहुत काम चल रहा है, बाकी एकदम से सही और मस्त रोड मिला अच्छे से। ज़्यादा समय भी नहीं मिला, ट्रैफिक की भी प्रॉब्लम जो थी वो ज़्यादा नहीं थी। और ये वाला तो व्यू बहुत ही अच्छे से मज़ा आ रहा होगा आपको, रास्ते के काफ़ी व्यू बहुत अच्छे थे। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी हम पहुंच रहे हैं अपनी सिस्टर के घर पे, आपको दिखाते हैं वहाँ का भी व्यू। तो उस समय बहुत हो चुका है, 11 बज चुका है लगभग। और ये कह सकते हैं कि सरप्राइज जैसा है, बिना बताए हम लोग बिना सूचना किए अचानक से पहुंच रहा हूँ। देखता हूँ कि उन लोगों का क्या रिएक्शन होता है। चलिएगा, बने रहिएगा आप वीडियो में। ग्रेटर नोएडा में आपका स्वागत है। यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है और हम ग्रेटर नोएडा के अंदर पहुँच चुका हूँ। फाइनली फ्रेंड्स जहाँ आना था और दीदी के घर के सामने आ चुका हूँ। बाहर देखिए ये गेट है, अभी उनका गेट खटखटाता हूँ, अब पता चलेगा। ये देखिए हमारी बांधी आ चुकी है भाई, और एकदम से डर आ चुके हैं घर में, एकदम से सब लोग सो रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स रात काफ़ी हो चुकी है और अभी हम लोग आके खाना वगैरह खा चुके हैं। अब मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, ब्लॉग में। इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। सभी को गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। और आप लोग जब कमेंट करके बताएं कि ये पूरा ब्लॉग आपको कैसा लगा, छिबराऊँ से दिल्ली का सफ़र। ओके बाय।